देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के कई बातें हुई, लेकिन पूरी सदनों के दोनों सदन का सहमति बना कि जातीय जनगणना जो है लोगों के हित के लिए है। और दो बार दोनों सदन से प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो हम सब लोगों का राय था कि भाई राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे, जैसे और राज्य हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, कई एक राज्यों ने अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराई, तो राज्य सरकार बिहार सरकार भी घोषणा करे। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जहां तक बात चल रही थी, आपको भी पता है देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निकले थे तो मैंने एक बात कहा था, ये नेशनल इंटरेस्ट में, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्रहित में, यानी नेशनल इंटरेस्ट में, तो देरी किस बात की भाई? इसमें कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ पहुंचे, तो देरी किस कारण? और क्या फायदा रह जाएगा, जब सम्मान रह जाएगा हमारा बिहार विधानसभा का या परिषद का, कि दो बार हम प्रस्ताव पारित कर दिए, क्या वैल्यू रहेगा? ये तो लोगों के हित में है। सही साइंटिफिक डाटा अगर आपके पास आएगा तभी आप योजना बनाइएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि भाई कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो कूड़ा साफ करने वाले लोग हैं, सफाई नाला का सफाई करते हैं, कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। तो ये जब तक नहीं पता चलेगा आप इनके लिए योजना तो बना ही नहीं सकते, और इससे तो लाभ पहुंचेगा। तो ये काम तो हो जाना चाहिए था। हमने तो कहा अगर हमारी सरकार होती तब तक सोचना नहीं पड़ता, और ना हमको किसी का डर था, सत्ता जाती जाती, लेकिन इस काम को हम लोग करते। अब क्या है तो सब लोग जान रहे हैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हर जगह रहते हैं। अब भाई वो नहीं चाहेंगे तो मीटिंग ही नहीं होगी क्या? मतलब बीजेपी जो है बिहार विधानसभा अब परिषद से बड़ी हो गई क्या, जब प्रस्ताव पारित कर दिया गया? ये सोचने की जरूरत है। और हम सब लोग विशेष राज की बात करते हैं, ये लोग मांग किससे रहे हमको तो अब तक समझ में नहीं आ रहा। और इन्हीं के केंद्र सरकार के लोग कहते हैं पार्लियामेंट में कि बिहार सरकार जो है खर्च नहीं कर पाती, बजट का पैसा नहीं खर्च। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है उन्होंने क्या कहा कि बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पाते। तो अपना ही लोग जो है एक दूसरे का उजागर कर रहे हैं कमियां, तो बिहार हित में तो है नहीं मामला। सुशासन किस बात का है बिहार में? किस बात का सुशासन? सड़े आम आपने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बद से बदतर हो गया। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पे जुर्म जो ढाया जा रहा है, बांध करके पीटने का काम किया गया, ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई इन लोगों ने किया, क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रीट्वीट भी किया है, एक वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है, या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए?
क्या स्थिति बनी हुई है भाई। ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है। ये कहाँ का, तो सिवान जिले का, जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है। एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस। कोई गवर्नेंस ही नहीं है, क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में। कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। अब जब सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो हैं वो ऑपरेशन करना। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला। एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए, वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। वहां अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो विधानसभा खुलेगा ही, हर एक मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी की तो जहां तक बात है आप लोग जान ही रहे क्या स्थिति बनी हुई है। अभी तो हाउस शुरू होगा, होली होली के बाद हम लोग जाते रहेंगे, बीच बीच में लगेगा प्रोग्राम लोग बनाएंगे। इसी बीच आपका फिर MLC का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज का, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे, काम कर रहे हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।